अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, कल हमने ये नॉमिनेटिव का हिस्सा कुछ पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा आपसे मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों से, ठीक है, और फिर इसका जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया वो पढ़ेंगे आज हम आगे, ठीक है। नॉमिनेटिव में हमने कल पढ़ा था कि जो हर चीज जो नाउन है, जो हमें चीज नजर आती है, ठीक है, कल के लेसन में हमने बड़ी तफसील से ये बात पढ़ ली थी, ठीक है, उनके साथ या तो देयर, दी और दस आर्टिकल लगेगा, ठीक है, और इन आर्टिकल को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, डिस्टिंक्टेड आर्टिकल, क्या क्या है ये कल हम सीख चुके हैं। और जब हम इसको लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में कि ये एक है, तो इसको आइन, आइनी और आइन का कहा जाता है, इनको क्या कहते हैं, अनडिस्टिंक्टेड आर्टिकल, ठीक हो गया, ओके। ये हम कल सारी बातें सीख चुके हैं। अच्छा, नॉमिनेटिव में अगर आपने ये बताना हो कि ये एक चीज नहीं है, ये चीज नहीं है बाइस्पील, ठीक है, तो उसमें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? मसलन बताएं, दी ट्यूर आपने सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दी ट्यूर, दरवाजा, तो क्या बनेगा जुमला? अगर ये कहते हैं ये एक दरवाजा है, तो क्या बनेगा जुमला, दस इज आईने ट्यू, ये कल हमने बात सीख ली है, मैं जब रिपीट कर रहा हूं, तो ये बनेगा दस इज आईने ट्यू, ये एक दरवाजा है, ओके, क्या लिखेंगे आप, दस इस्ट, इधर लिखता हूं मैं, दस इस्ट है आईने ट्यू, क्यों आईने ट्यू रहा है, क्योंकि जी दी आर्टिकल है ना, दी ट्यू होगा, दी ट्यू आईने ट्यू, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई ये एक दरवाजा नहीं है, दस इज खाइने ट्यू, ठीक है, तो आप कहेंगे आईने की जगह फिर कहते हैं ये एक दरवाजा नहीं है, तो ये बन जाएगा दस इस्ट खाइने ट्यू, ओके, तस्वीर में नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ओके। अब और कोई मुझे नॉमिन या कोई नाउन बताएं आप, अगला क्या बताया, देयर लैपटॉप, इन्होंने कहा जी लैपटॉप, तो ये देयर आर्टिकल है, तो क्या बनेगा इसके साथ, दस इस्ट आइन लैपटॉप, दस इस्ट आइन लैपटॉप है, दस इस्ट आइन लैपटॉप। अगर आप कहते हैं ये लैपटॉप नहीं है, तो फिर दस इज खाइन लैपटॉप, ठीक है, दस इज खाइन लैपटॉप, ठीक है, क्या आएगा जी, दस इज खाइन लैपटॉप, कि भाई ये लैपटॉप नहीं है, ठीक हो गया, तो क्या हुआ, आइन काइन, देर हुए, ठीक है, आइन काइन हो जाएगा, दी में क्या होगा, आइने खाइने, ओके। अगर कोई जो बताइए दस वाला कोई बने, दस वाला, दस फफियर, फफियर क्या होता है, पेपर यानी कागज कोई भी, ठीक है ना जी, दस फफियर, कहते हैं ये कागज है, तो क्या होगा, दस इस्ट आइन फफियर, ऐसे ही होगा ना, सिंपल बात है, ठीक है, आप इसको कहेंगे दस इस्ट, ये है आइन फफियर, ठीक है, आइन फफियर का मतलब बताए कागज, कहते आप कहते हैं भाई ये कागज नहीं है, दस इज खाइन फफियर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, खाइन फफियर, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें प्लूराल में, जब हमने ये बात कर अच्छी तरह सीखी थी, लेकिन इनके जेहन में फिर भी सवाल आ गया कि जब चीज प्लूराल में लिखेंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, आइन, आइन, भाई जब चीज प्लूराल हो गई है उसमें आइन खत्म हो जाएगा, आइन तो तब लगेगा जब चीज सिंगुलर हो, एक हो। अच्छा, अगर आप बताना चाहते हैं जमा में कोई चीज कि ये चीजें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ये किताबें नहीं है, ये किताबें नहीं है, पहले ये बनाए जुमला कल, ये किताबें हैं, क्या होगा, दस जिंद, दस जिंद, जिंद ब्यूशर, दस जिंद ब्यूशर, हैं ऐसे ही होगा ना, दस जिंद ब्यूशर के ये किताबें हैं, ब्यूशर, दस जिंद दी ब्यूशर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कोई भी नॉमन या कुछ जमा होती है उसके साथ दी आर्टिकल लिखा जाता है, ये मैंने बात कल आपको हमने सीखी थी, चाहे उसके साथ देर आर्टिकल हो, दी हो, दस हो, लेकिन जमा में लिखी जाएगी उसके साथ दी आर्टिकल लिखा जाएगा, दस जिंद दी ब्यूशर, ये किताबें हैं। जिंद क्यों आया है? हाँ जी, जिंद क्यों है, जिंद क्यों आया है, जिंद का मतलब होता है हैं, ये हैं, अगर कहते हैं ये एक किताब है तो क्या आना था, दस ईस्ट आइन बुक, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि भाई ये एक किताब है तो फिर उसमें आपने लिखना था, ये लिखना था, सिंपल बात है, जिंद जो होता है ये जमा के लिए आता है, तो इसकी आगे जाके तो इसी ये वर्ब है, इसको जाके आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह अगले लेसन में। आप कहते हैं दस इस्ट आइन बुक, इसका मतलब ये एक किताब है, हैं, अब इसकी जमा लिखें उर्दू में, उर्दू में क्या आता है, आता है ना आखिर में, एक किताब है, तो उर्दू में क्या, ये किताबें हैं, है में बदल जाएगा ना, इसलिए डोज में भी बदल जाएगा, तो कहेंगे दस जिंद ब्यूशर, अच्छा, हाँ ये किताबें है ना। अगर आप कह रहे हैं ये किताबें नहीं है, प्लूरल में कहना चाहते हैं तो क्या होगा,
दस दिन खाइने ब्यूश। ओके, तो यहां पे आएगा प्लूराल में कि ये किताबें नहीं है, उसमें भी खाइने आएगा, दस दिन खाइने ब्यूश। ओके, तो अच्छा डियर फ्रेंड्स, तो आपने क्या किया, अगर आपने चीज बतानी है कि ये चीज ए सिंगुलर है तो आइन, नहीं बतानी है तो काइन, देर के साथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। आगे है दी आर्टिकल में बताना है कि ये चीज सिंगुलर है तो आइन ही आएगा, नहीं है तो काइन ही आएगा। इसी तरह अगर कोई चीज दस है, न्यूट्रल है बाइस्पील, तो उसमें क्या होगा, दस आइन आ जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा, काइन आ जाएगा साथ, ठीक है। अगर बताना है कि नहीं है तो जो प्लूराल है, जो चीज जमा में अगर आपने बतानी है, उसमें आइन तो खत्म हो जाएगा, आइन खत्म हो जाएगा और उसमें आएगा काइने आ जाएगा, दस जिन खाइने ब्यूश, कि भाई ये किताबें नहीं है, दस इन खाइने ब्यूश। आगे कोई और लफ्ज बताएं मुझे ताकि मैं आपको मजीद बताऊं, कोई दस देर दी, दस कोई भी बता, दस दी फ्लाशे, फ्लाशे क्या होता है, बोतल को कहते हैं, दी फ्लाशे, दी फ्लाशे। अब आपने ये लिया है तो इसका बनाए जुमला आइन का, इन कैसे कैसे बनेगा, हाँ जी, दस इज खाइने फ्लाशे, दस इज आइने फ्लाशे, दस इज खाइने फ्लाशे। अगला पढ़े, दस फ्लाकाट, दस फ्लाकाट, फ्लाकाट मैंने कल बताया था होता है ये चार्ट लगाते हैं क्लासरूम में, दस फ्लाकाट, हाँ जी, बनाए जुमला आइन का, इन कैसे बनेगा, दस इज आइन, आइन आइने नहीं, आइने सिर्फ दी के साथ आना है, दस इज आइन फ्लाकाट, दस इज खाइन फ्लाकाट। ओके, इस तरह ये, यानी कि अभी हम सिर्फ नोमेन की बात कर, एक नाम के बारे में, एक चीज के बारे में बात करेंगे, ये एक प्लाकार्ड है, ये एक प्लाकार्ड नहीं है। अगर अपोजिट में वो अगर दो नाउन हो जाएंगे वो हम बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी सिर्फ हम नोमिनेटिव कर रहे हैं जिसमें एक नाउन होता है सिर्फ, ठीक है, जिस तरह मैंने अपने प्लाकार्ड का है। अगला कोई और, देर ठीश, देर ठीश हो गया, तो क्या होगा, दस इज आइन ठीश, दस इज खाइन ठीश। आगे कोई और लफ्ज, दस हेफ्ट, हेफ्ट क्या होता है, हेफ्ट किसे कहते हैं, दस हेफ्ट कॉपी को, हेफ्ट कहते हैं कॉपी को, ये जो कॉपी होती है जिसके ऊपर आप लिखते हैं इसको हेफ्ट बोलते हैं, दस आता है इसके, दस हेफ्ट, हाँ जी, जुमला बनाएं दस के साथ, दस इज आइन हेफ्ट, जी, दस इज खाइन हेफ्ट, खाइन हेफ्ट। ओके, अब एक मैं बताता हूं, लामपन, लैम्प, दी, ये होता है दी लाम्पे, दी लाम्पे, इसकी जमा होती है दी लामपन, ठीक है, दी उस दोनों के साथ सिंगुलर में भी दी आर्टिकल आता है, प्लूराल में भी दी आर्टिकल, दी लैम्पन, तो ये लैम्प, ये लैम्प नहीं है, तो क्या होगा, दस दिन खाइने, खाइने लैम्पन, दस दिन खाइने लैम्पन, ठीक है। प्लूराल में आइन नहीं आएगा क्योंकि वो चीज सिंगुलर नहीं रही, जमा हो गई है, तो उसको जब नहीं बताना तो खाइने आएगा, प्लूराल में खाइन, दस दिन खाइने लैम्पन, ये लैम्प नहीं है। ओके, इस तरह कोई और, जो और लफ्ज बताएं, कोई और लफ्ज इसमें से, दी ब्रिले, ब्रिले क्या होता है, ऐनक, ग्लासेस को कहते हैं, दी ब्रिले ना, है दी आर्टिकल है, तो क्या होगा, दस इज आइने ब्रिले, खाइने ब्रिले। तो कल एक चीज मैंने और सिखाई थी कि ये जुमला अगर हमने क्या सवाल बनाना हो, क्या ये एक ऐनक है, तो ईस्ट दस, ईस्ट दस आइने ब्रिले, ठीक है। अगर हमने फिक्रे को सवालिया बनाना हो, ये मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं ये मैंने इनको कल समझाया था कि अगर आपने से, क्या ये एक ऐनक है, तो क्या होगा, ईस्ट दस आइने ब्रिले, ठीक है, ईस्ट दस आइने ब्रिले, क्या ये एक ऐनक नहीं है, ईस्ट दस खाइने ब्रिले, क्या ये ऐनक नहीं है, ईस्ट दस खाइने ब्रिले आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हमने किया, नॉमिनेटिव में, सिर्फ नॉमिनेटिव अभी हम कर रहे हैं, नॉमिनेटिव में क्या करते हैं, जो ईस्ट होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको बाहर ले आते हैं, तो वो फिगर सवालिया बन जाएगा, ईस्ट दस खाइने, खाइने ब्रिले, दस आया तो ये आइन क्यों नहीं लगा, किसके साथ दस आया, ये जो दस है ना, ये वो आर्टिकल वाला नहीं है। अगला कोई जुमला देखें जी, और कोई जुमला बताएं, देर खुली, देर खुली, ठीक है, खा ओ एल ए, देर खुली क्या होता है बताएं, देर इसको पेंसिल कहते हैं, श्राइबर, इसको खुगल श्राइबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, खुगल श्राइबर, यानी लिखने वाला, देर खुली, देर खुगल श्राइबर, ठीक है। तो अब आप देर आर्टिकल है तो क्या कहेंगे, दस ईस्ट, आप देखें आपने जो अभी सवाल पूछा है ना, ये बनेगा दस ईस्ट, ये आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब दिस इज, ये है, हैं, इसे बनेगा दस ईस्ट, ये है क्या, आइन खुली, सिंपल बात है, ठीक है, आइन खुली, दस ईस्ट आइन खुली, क्योंकि ये खुली है, ये पेंसिल है, हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये खुली नहीं है, ये पेंसिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दस ईस्ट खाइन खुली, सिंपल,
ये जो ये आर्टिकल नहीं इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल हमेशा यहाँ पे होना है, शुरू इसके साथ आएगा। ये जो शुरू में दस इस्ट लिखा जाता है, इसका मतलब दिस इज, ये है, ओके, दस इस्ट, ठीक है। अगर आप कहते हैं दस जिंट, अगर आप कहते हैं दस जिंट, ठीक है, ये वैसे मैंने आगे कि तफसील से करवाना है, दस जिंट का मतलब होता है ये हैं, जमा के लिए होगा, दस जिंट ब्यूशर, ये किताबें हैं। तो इस्ट और जिंट जो है ये है और हैं के मायने में इस्तेमाल होता है, और दस जो है ये के मायने में इस्तेमाल होता है, दस इस्ट दिस, ठीक है, और दस जिंट, ठीक है जी, काफी है। तो आज के लेसन में डियर फ्रेंड्स हमने ये सीखा है कि हम जुमले को कैसे सिंगुलर में, ये तो हमने कल सीख लिया था, अगर हमें उसको बताना हो कि ये चीज नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम काइन का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, काइन का। और दोबारा में इसको हम समअप करते हैं, दे के साथ काइन आएगा, जैसे आइन आया था, दी के साथ काइन ही आएगा, और दस के साथ काइन आएगा और आइन आएगा, ठीक है जी, ओके। तो प्लूरल में भी देख लें, प्लूरल में जैसे मैं प्लूरल में हमने क्या देखा है, प्लूरल में आइने शाइने कोई नहीं आता, क्योंकि जिस जो नोमेन या नाउन है वो प्लूरल जमा हो चुकी है, लेकिन जो उसको बताना है कि चीज नहीं है तो उसमें काइने आ जाएगा, सिर्फ ये प्लूरल में आ जाएगा, दस जिंड खाइने ब्यूशर, ये किताबें नहीं है, दस इंड खाइने खिंडर, ये बच्चे नहीं है, दस इंड खाइने हैंडीज, ये हैंडी नहीं है, ठीक हो गया। तो इस तरह आप काइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।